हेलो भाई, स्वागत है आपका 9211 लीगल बाबा के चैनल पे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजीज का लेक्चर 2, कोरिलेशन। तो सबसे पहले कोरिलेशन का मतलब समझो। दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? अब म्यूचुअल रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। एग्जांपल में हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने पे डिमांड बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें हमारा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप भी होता है। पर लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, इसमें इन्वर्सरी रिलेशनशिप होता है। इसकी वजह से दोनों क्या है, कोरिलेटेड है, बिकॉज इन दोनों के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। एक की वजह पे दूसरे पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। अगला पॉइंट है हमारा, कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल टेक्निक। तो कोरिलेशन स्टैटिक्स में क्या है, एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम डिग्री फाइंड करते हैं कि किस डिग्री तक दो वेरिएबल के बीच रिलेशन है और किस एक्सटेंट तक इन दोनों के बीच फ्लक्चुएशन क्रिएट होता है। सो बेसिकली इसको फाइंड किया जाता है कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से, डब्ल्यू आई किंग। तो डब्ल्यू आई किंग ने इस डिफाइन में क्या बोला था, कोरिलेशन मीन्स डैट बिटवीन टू सीरीज और ग्रुप्स ऑफ डाटा देयर एग्जिस्ट सम कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल रिलेशनशिप मीन कि एक की वजह से दूसरे पे कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, चेंज हो रहा है। जब भी दो या दो से अधिक सीरीज के बीच में या ग्रुप के बीच में ऐसा कोई संबंध हो, तो वहाँ पे समझिए कि कोरिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है या लीनियर है, वो तो हमें कैलकुलेट करने पे ही पता चलेगा। ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन में क्या होता है, इसको हम तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ टू सीरीज डिवाइड इन सेम डायरेक्शन। तो अगर दो सीरीज की वैल्यू सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों में बढ़ रही है, तो उसे हम पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे। जैसे अगर वो डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है, तो डिमांड भी बढ़ रही है, और अगर डिमांड घट रहा है तो प्राइस भी घट रही है, तो ये हो गया एक पॉजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल में जैसे इसमें दे रखा है एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। एक्स हो रहा है 10, 15, 20, 25, 30, वाई 15, 30, 45, 50, 65। दोनों जो सीरीज है वो दोनों इंक्रीज होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव रिलेशन। अगला है नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है, इफ वैल्यू ऑफ सीरीज डिवाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दो सीरीज की वैल्यू दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव रिलेशन। जैसे प्राइस के बढ़ने से डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाती है, वैसे इसमें दे रखा है कि एक्स एक्स हमारा बढ़ रहा है और जो वाई है वो जो वाई सीरीज है वो हमारी घट रही है, तो इसे कहेंगे हम नेगेटिव कोरिलेशन। सेकंड टाइप है हमारा लीनियर एंड कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो इसमें क्या है, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, इफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉन्स्टेंट। इसमें क्या है, जब भी हमारी 10% से प्राइस इंक्रीज होगा तो हमारी डिमांड के जो प्राइस है 5% से डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या है, हर बार हमारा जो प्राइस होगा वो 10% से इंक्रीज होगा और जो डिमांड होगी वो हर बार हमारी 5% से डिक्रीज होगी, तो इसे कहेंगे लीनियर कोरिलेशन। अब नॉन लीनियर कोरिलेशन, इसमें क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन टू वेरिएबल इज नॉट कॉन्स्टेंट। इसमें जब हमारा प्राइस 10% से इंक्रीज होगा एवरी टाइम, तो डिमांड हमारी कभी डिक्रीज होगी 5% से, तो कभी 20% से होगी, पर जो प्राइस का चेंज का रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर जो डिमांड की डिक्रीज की रेट होगी वो हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, तो इसे हम कहेंगे नॉन कोरिलेशन। तीसरा टाइप है हमारा सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन इसमें क्या है, व्हेन कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज स्टडीड। तो इसमें हम जब दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसे कहेंगे सिंपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन, व्हेन कोरिलेशन बिटवीन थ्री और मोर वेरिएबल इज स्टडी रेनफॉल फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्शन। तो इसमें हमारा है कि जब हम किन्हीं तीन वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसे मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में रेनफॉल फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन, हम इन तीनों के बीच में फाइंड करें कि इन तीनों के बीच में कोरिलेशन है क्या, तो इसे हम मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। और पार्शियल कोरिलेशन, तो सपोज करिए कि आप किन्हीं तीन वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनमें से किसी एक को कांस्टेंट रख दिया है, तो उसे कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। जैसे हम रेनफॉल फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्शन इन तीनों के बीच में कोरिलेशन ढूंढ रहे हैं, पर इसमें हमने प्रोडक्शन को है वो कांस्टेंट रख दिया है, तो उसे हम कहेंगे पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल मतलब किसी एक को हमने हटा दिया है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन,
परफेक्ट कोरिलेशन, व्हेन वैल्यू ऑफ आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज +1 और -1। आर केस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जब आर की वैल्यू +1 या फिर -1 के बीच में होगी तो उसे हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलेंगे। सेकेंड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, व्हेन वैल्यू ऑफ आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज बिटवीन 0 to 1 और 0 to -1। जब आर की वैल्यू 0 to 1 के बीच या फिर 0 to -1 होगी तो वो हमारी लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो जाएगा। एसेंस ऑफ कोरिलेशन किसे कहते हैं, व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज 0, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो वो हमारा हो जाएगा एसेंस ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, पहला ग्राफिकल मेथड, सेकंड है मैथमेटिकल मॉडल। स्कैटर डायग्राम या फिर डॉट डायग्राम से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कोरिलेशन ग्राफ। मैथमेटिकल में 3 है, पहला है कैलपर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड है स्पेसमैन रैंक कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। इन 2 मेथड से हम कोरिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके, लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन पॉइंट, डेफिनेशन डिफरेंस। इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स, एंड इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ओके, कोरिलेशन में 2 वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप एनालिसिस की जाती है एंड रिग्रेशन में 2 वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप मेजर की जाती है, एवरेज रिलेशनशिप। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सेकंड डिफरेंस पॉइंट इज रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -1 to +, एंड रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज -∞ to +∞। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज -1 से लेके +1 तक लाई करती है एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट की रेंज -∞ से लेके +∞ तक लाई करती है। ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट देयर इज नो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई भी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज नहीं किया जाता है। उसके अपोजिट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में है देयर इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिग्रेशन एनालिसिस। ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज किया जाता है। ओके, दिस इज द थर्ड डिफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 4, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी भी 2 वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल का कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करने के बाद अगर हम एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब इट इज नॉट अफेक्टेड बाय। ओके, इसके अपोजिट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में है, अगर हम 2 वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल का अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद अगर हम 2 वेरिएबल इंटरचेंज कर देते हैं, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिग्रेशन कोएफिशिएंट में इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोरिलेशन में ऐसे कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसकी वजह से कोरिलेशन में जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा और रिग्रेशन में वैल्यू चेंज होगी। दैट मीन्स कोरिलेशन में वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ओके, दिस इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट नंबर 5, इन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज नोन देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल कैन नॉट एस्टिमेटेड। ओके, अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में किसी भी एक वेरिएबल का, एक्स वेरिएबल की अगर वैल्यू मालूम है तो हम वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, मतलब उसके वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके अपोजिट रिग्रेशन कोएफिशिएंट में है इफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल इज नोन देन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल कैन बी एस्टिमेटेड। ओके, रिग्रेशन कोएफिशिएंट में अगर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम है, पता है, तो उसकी हेल्प से हम अदर वेरिएबल की, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। ओके, दिस 5 पॉइंट्स आर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ओके,